हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हमने पिछले वीडियो में 113 नंबर तक का क्वेश्चन हल कर लिया था। फ्रेंड, आइए उसके आगे से शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन नंबर 114 है उसका वो प्रश्न है। देखिए, देवी प्रसाद राय चौधरी के कला गुरु थे। तो फ्रेंड, जो देवी प्रसाद राय चौधरी के कला गुरु थे, ऑप्शन नंबर ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी है गगनेन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी है ONLINE टैगोर, ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 114 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ONLINE टैगोर। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ONLINE के शिष्य मूर्तिकार हैं। तो फ्रेंड, ऐसे कौन से शिष्य थे ए एन टैगोर के जो मूर्तिकार थे। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, ऑप्शन में है नंदलाल बसु है, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार है, सी है आशीष कुमार हल्दर, डी है देवी राय प्रसाद चौधरी। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवी राज प्रसाद चौधरी। ठीक है, 116 है फ्रेंड, श्रम की विजय ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति 1954 ईस्वी में कांस्य माध्यम में किस कलाकार ने मरीना समुद्र तट चेन्नई में निर्मित किया। तो फ्रेंड, जो क्वेश्चन नंबर 116 है उसका ऑप्शन नंबर ए है राम किंकर बैज, ऑप्शन नंबर बी है धनराज भगत, ऑप्शन नंबर सी है शंखो चौधरी, ऑप्शन नंबर डी है देवी राय प्रसाद चौधरी। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का श्रम की विजय, वो हो जाएगा फ्रेंड देवी राय प्रसाद चौधरी। ठीक है, डीपी राय चौधरी। ठीक है फ्रेंड, जो श्रम की विजय है वो डीपी राय चौधरी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 117 है फ्रेंड, डीपी राय चौधरी द्वारा निर्मित स्मारक मूर्ति निर्मित है। ठीक है फ्रेंड, तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीतल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पत्थर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कांसा। ठीक है फ्रेंड, तो जो 117 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांसा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 118 है, किंकरदा के नाम से प्रसिद्ध कलाकार थे। तो फ्रेंड, जो किंकरदा के नाम से प्रसिद्ध थे वो कौन से कलाकार थे, उनका नाम बताना है आपको। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है नंदलाल बोस, ऑप्शन नंबर बी है विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी है रणवीर सिंह विष्ट, ऑप्शन नंबर डी है राम किंकर बैज। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राम किंकर बैज। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 119 है, नंदलाल बसु के प्रमुख शिष्यों में है। तो फ्रेंड, जो ऑप्शन दिया गया है आपको ये बताना है कि इसमें से नंदलाल के जो प्रमुख शिष्यों में से थे वो कौन थे। तो फ्रेंड, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राम किंकर बैज, ऑप्शन नंबर बी है समनेन्द्रनाथ गुप्त, ऑप्शन नंबर सी है अब्दुल रहमान चुगतई, ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम किंकर बैज। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 120 है, राम किंकर बैज किस माध्यम में मूर्ति का निर्माण करते थे। तो फ्रेंड, जो राम किंकर बैज थे वो अपना मूर्ति का निर्माण किस माध्यम में करते थे। तो फ्रेंड, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सीमेंट, ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टर, ऑप्शन नंबर सी है पत्थर, सॉरी फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टर, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में सभी। तो फ्रेंड, जो राम किंकर बैज थे उनके मूर्ति के निर्माण का माध्यम था फ्रेंड ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, वीडियो से कुछ फायदा हो रहा हो, तो फ्रेंड प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, 1938 ईस्वी में राम किंकर बैज द्वारा निर्मित संथाल परिवार की मूर्ति है। तो फ्रेंड, जो ये मूर्ति का माध्यम है आपको वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कांसा, ऑप्शन नंबर बी है पत्थर, ऑप्शन नंबर सी है मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 121 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पत्थर। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है फ्रेंड, प्रदोष दास गुप्ता किस कला ग्रुप से संबंधित थे। तो फ्रेंड, आपको बताना है जो प्रदोष दास गुप्ता थे वो किस कला ग्रुप से संबंधित थे। तो आइए फ्रेंड देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बंगाल स्कूल, ऑप्शन नंबर बी है कलकत्ता स्कूल, ऑप्शन नंबर सी है प्रगतिशील कलाकार संघ, ऑप्शन नंबर डी है बॉम्बे ग्रुप। तो फ्रेंड, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 122 का वो हो जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, यानी हो जाएगा आपका कलकत्ता ग्रुप। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 123 है, प्रदोष दास गुप्त के कला गुरु है। तो फ्रेंड, जो प्रदोष दास गुप्त हैं उसके कला गुरु कौन है। तो फ्रेंड, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। राम किंकर बैज जी हैं, ONLINE टैगोर जी हैं, या देवी राज प्रसाद चौधरी हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड, जो 123 क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो फ्रेंड प्रदोष दास गुप्ता जी के कला गुरु थे, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवी राय प्रसाद चौधरी। तो फ्रेंड, देवी राय प्रसाद चौधरी जी जो है प्रदोष दास गुप्त के कला गुरु थे। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे।
देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 124 है, एक बेड सन बाथिंग कंडोलेंस जैसे प्रमुख शिल्प किसकी है। तो फ्रेंड जो 124 नंबर क्वेश्चन का वो आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए है प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी है शंकु चौधरी, ऑप्शन नंबर सी है धनराज भगत, ऑप्शन नंबर डी है डीपी राय चौधरी। ठीक है फ्रेंड, तो जो एक ब्राइट सन बाथिंग ऑन कंडोलेंस जैसे प्रमुख शिल्प किसकी है फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रदोष दास गुप्त। ठीक है फ्रेंड, ये प्रदोष दास गुप्ता जी का कृति है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 देख लेंगे फ्रेंड, पैक ग्रुप के प्रसिद्ध कलाकार थे। तो फ्रेंड जो पैक ग्रुप है उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे आपको ये बताना है। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए है धनराज भगत, ऑप्शन नंबर बी है शंकु चौधरी, ऑप्शन नंबर सी है सदानंद बाकरे, ऑप्शन नंबर डी है शोभनाथ होर। तो फ्रेंड 125 क्वेश्चन नंबर का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सदानंद बाकरे। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 126 है, धनराज भगत किस आर्ट कॉलेज में पहले शिक्षक बाद में मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष रहे। तो फ्रेंड जो 126 नंबर का क्वेश्चन है आइए देख लेते हैं उसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए है मद्रास कला विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ कला विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है कलकत्ता कला विद्यालय, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली कला विद्यालय। तो फ्रेंड जो धनराज भगत थे वो सबसे पहले शिक्षक बाद में मूर्तिकला जो हुए वो हुए ऑप्शन नंबर डी दिल्ली कला विद्यालय के। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 127 है, घोड़े की नालबंदी, शिवा डांसिंग, कॉस्मिक मैन जैसे प्रमुख शिल्प किस कलाकार के हैं। तो फ्रेंड इसमें आपको लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का, देखिए आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है धनराज भगत, ऑप्शन नंबर बी है शंकु चौधरी, ऑप्शन नंबर सी है चिंतामणिकर, ऑप्शन नंबर डी है सोमनाथ होर। तो फ्रेंड 127 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनराज भगत। ठीक है फ्रेंड, आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 है, प्रसिद्ध कलाकृति सागर के आंसू हैं। तो फ्रेंड ये जो प्रसिद्ध कलाकृति सागर के आंसू हैं आपको बताना है ये किसकी है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है भारतीय खेर, ऑप्शन नंबर बी है जरीना हाशमी, ऑप्शन नंबर सी है अनुपम सूद, ऑप्शन नंबर डी है अर्पिता सिंह। तो फ्रेंड जो 128 का हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जरीना हाशमी। ठीक है फ्रेंड, जरीना हाशमी। इसके बाद 129 नंबर का देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, कलाकार सुबोध गुप्ता की पत्नी है। तो फ्रेंड जो कलाकार सुबोध गुप्ता जी थे उनकी पत्नी का नाम आप लोगों को बताना है। तो देखिए आइए ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं अर्पिता सिंह, ऑप्शन नंबर बी है लीडिया मेहता, ऑप्शन नंबर सी है भारती खे, ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय खेर। फ्रेंड जो कलाकार सुबोध गुप्ता की पत्नी है वो है उनका नाम है भारतीय खेर। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130 है, प्रसिद्ध कृति गर्ल स्मोकिंग द ट्री है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए है मृणाली मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी है प्रभा शाह, ऑप्शन नंबर सी है मीरा मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी है अर्पिता सिंह। तो फ्रेंड जो गर्ल स्मोकिंग द ट्री है क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी अर्पिता सिंह। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 131 है, किस महिला कलाकार ने धातु के छल्लों का उपयोग मूर्ति शिल्प वंश्री तथा वन राजा में किया है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो वंश्री तथा वन राजा कलाकृति है वो किस कलाकार की है। ठीक है, आइए देख लेते हैं 131 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा फ्रेंड। देखिए ऑप्शन नंबर है अमृता शेरगिल, ऑप्शन नंबर बी है मृणाली मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी है अनुपम सूद, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 131 नंबर के क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मृणाली मुखर्जी। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132 है फ्रेंड, किस महिला कलाकार ने अपने मूर्ति शिल्प में जूट रस्सी सूतली डोरी आदि का उपयोग करती हैं। तो फ्रेंड जो ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्प में जूट की रस्सी सूतली तथा डोरी का आदि का उपयोग करती हैं। तो फ्रेंड जो ऑप्शन हो जाएगा मृणाली मुखर्जी, लीला मुखर्जी, मीरा मुखर्जी, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृणाली मुखर्जी। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133 है फ्रेंड, किस महिला कलाकार ने पंजाबी साहित्य, पहाड़ी शैली, भारतीय लोक कला पे चित्र बनाए। तो फ्रेंड आपको बताना है कि ऐसी कौन सी महिला कलाकार है जिन्होंने पंजाबी साहित्य, पहाड़ी शैली, भारतीय लोक कला पे चित्र बनाए हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है अर्पणा कौर, ऑप्शन नंबर बी है अनुपम सूद, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड वीड़ा भाटिया, ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए अर्पणा कौर। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 है, प्रसिद्ध कृति फ्लेमिंग ट्री है। तो फ्रेंड जो प्रसिद्ध कृति फ्लेमिंग ट्री है आपको बताना है वो किसकी है।
ठीक है फ्रेंड, इसमें देख लीजिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फ्रेंड लीडिया मेहता, ऑप्शन बी है अर्पणा कौर, ऑप्शन सी है फ्रेंड गोगी सरोजपाल, ऑप्शन डी है ललिता कट। तो फ्रेंड जो 134 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा हम लोगों का फ्लेमिंग ट्री किसकी है फ्रेंड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्पणा कौर का। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 है, किसके मूर्ति शिल्प में नत्तोदर एवं उन्तोदर आकार का एक साथ उभार आते हैं। तो फ्रेंड जो 135 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीमती उषा रानी, फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड मीरा मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ललिता कट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो 135 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ललिता कट। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, प्रमुख चित्र श्रृंखला मदर एंड चाइल्ड एवं प्रिंजर्स है। तो फ्रेंड देखिए प्रमुख चित्र श्रृंखला आप लोगों को बताना है मदर एंड चाइल्ड एवं प्रिंजर्स है। तो फ्रेंड ये किसकी श्रृंखला है, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रभाषा, ऑप्शन नंबर बी है गोगी सरोजपाल, ऑप्शन नंबर सी है अर्पणा कौर, ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी यानी गोगी सरोजपाल। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है फ्रेंड, इसमें से किस महिला कलाकार का संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो फ्रेंड आपको बताना है इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 137 का, इसमें से कौन से ऐसे कलाकार हैं जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड गोगी सरोजपाल, ऑप्शन नंबर बी है ललिता कट, ऑप्शन नंबर सी है अर्पणा कौर, ऑप्शन नंबर डी है अंजलि इला मेनन। तो फ्रेंड आपको बताना है इसमें से कौन ऐसे कलाकार हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। तो फ्रेंड देखिए ऑप्शन नंबर ए है एक और दो, ऑप्शन नंबर बी है दो और तीन, ऑप्शन नंबर सी है तीन और चार, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड एक दो तीन चार। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक और दो यानी फ्रेंड गोगी सरोजपाल और आपके ललिता कट, जो ये दो कलाकार हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 138 है, किस कलाकार ने अपने मूर्ति शिल्पों का निर्माण आदिवासियों की ढलाई पद्धति यानी कि लास्ट वेट्स प्रोसेस से किया है। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 138 है हम लोगों का, उसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मृणालिनी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड मीरा मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी है लीडिया मेहता, ऑप्शन नंबर डी है अर्पणा कौर। तो फ्रेंड जो 138 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीरा मुखर्जी। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस कलाकार ने एमए दर्शन शास्त्र से किया। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 39 है उसका दिया गया क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कलाकार फ्रेंड जो एमए दर्शन शास्त्र से किया था। आइए फ्रेंड ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है श्रीमती उषा रानी, ऑप्शन नंबर बी है प्रभाषा, ऑप्शन नंबर सी है मीरा मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड ललिता कट। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी श्रीमती उषा रानी। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 140 है, इसमें से एक गूंगी व बहरी भारतीय महिला कलाकार है। तो फ्रेंड आपको ये बताना है कि जो निम्न दिया गया है इसमें से ऐसी कौन सी कलाकार है जो गूंगी तथा बहरी है और वो भारतीय महिला कलाकार है। ठीक है फ्रेंड, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड अर्पिता सिंह, ऑप्शन नंबर बी है अंजलि इला मेनन, ऑप्शन नंबर सी है नसरीन मुहम्मदी, ऑप्शन नंबर डी है प्रभाषा। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 140 का फ्रेंड ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रभाषा। तो फ्रेंड इसके जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड, यही लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।